हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे 2019 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इश्यूज के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे आने वाले कई सारे एग्जाम्स है, जैसे SSC CGL वगैरह हो गया, RRB NTPC और रेलवे के कई सारे एग्ज़ाम, और उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्शन के जो एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उन सब के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टे विद अस, एंड अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का डाउनलोड का लिंक है, आप लोग वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि US के जो प्रेसिडेंट हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, उनको अभी 2019 में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर उन पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो अब तक कितनी बार US के राष्ट्रपतियों पर महाअभियोग चला है? तो अभी तक टोटल चला है 3 बार, ठीक है। फर्स्ट टाइम चला था एंड्रू जॉनसन पे, सेकंड टाइम बिल क्लिंटन पे, एंड थर्ड टाइम 2019 में अभी डोनाल्ड ट्रंप पे, ठीक है। और अभी तक इस महाअभियोग या इम्पीचमेंट के द्वारा किसी भी US प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो RBI ने अभी 2019 के स्टार्टिंग में जो 20 रुपये का जो नोट्स निकाला था, उस पर किस चीज़ का मोटिव था? तो उस पर था एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाओं का, ठीक है। और बाकी नोट्स पे भी हम देख लेते हैं, जैसे कि जो 5 रुपये का था उस पर था ट्रैक्टर का, और 10 रुपीज़ के नोट पे है सन टेम्पल का जो कि कोणार्क में है, 20 पे एलोरा केव्स, 50 रुपीज़ पे हम्पी, एंड 100 रुपीज़ पे रानी की वाव, एंड 200 पे सांची स्तूप, एंड 500 पे रेड फोर्ट, एंड फाइनली 2000 पे मंगलयान, ओके। ये बैक में है, ठीक है, और इसके फ्रंट पे हमेशा महात्मा गांधी जी की इमेज रही है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G के बारे में, ठीक है। 5G जनरेशन की जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में उसका कब से ट्रायल स्टार्ट होने वाला है? तो उसका स्टार्ट होगा 2020 में, ठीक है, 2020 के फेब्रुअरी या मार्च मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, जो करंट अभी फिस्कल ईयर है 2019 2020, इसके एंड में, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो UNEP का जो एमिशन गैप रिपोर्ट जो आया था 2019 का, ये रिपोर्ट दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में आया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2100 तक टोटल ग्लोबल टेम्परेचर कितना राइज करेगा? तो टोटल करेगा 3.2 डिग्री सेल्सियस, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली, ठीक है, एक नेशनल कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बैडमिंटन के लिए, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बैडमिंटन गुरुकुल, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया पी गोपी चंद के द्वारा, ओके। और ये बेसिकली बैडमिंटन की कोचिंग के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फेसबुक ने अपनी खुद की नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लिब्रा करेंसी, लॉन्च की गई है फेसबुक के द्वारा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक कैलिब्रा डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया गया, जिसमें इस करेंसी को यूज़ किया जाएगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पंजाब का जो ये करतारपुर कॉरिडोर जो है, ये पंजाब के किस जगह को कनेक्ट करता है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर जो है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉरिडोर है, जो कि जो सिख मंदिर जो है, जैसे डेरा बाबा नानक साहेब का मंदिर जो कि पंजाब में है, और गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि करतारपुर पंजाब में है, ठीक, जो पाकिस्तान में है, उन दोनों को कनेक्ट करता है, तो वो कनेक्ट करता है गुरदासपुर, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिस वर्ल्ड 2019 का जो टाइटल है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है टोनी एन सिंह को, ओके। और ये जो मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट जो हुआ था, ये लंदन में हुआ, जो कि यूनाइटेड किंगडम है, किंगडम में है, ठीक है। और लास्ट ईयर की जो मिस वर्ल्ड रही है वो है वेनिसा पोन्स, और 2019 में जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है वो किया गया सुमन राव के द्वारा, ओके। ये सेकंड रनर अप रही है 2019 में, और ये मिस एशिया 2019 बनी है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक ऑडियो गाइड का फैसिलिटी ऐप लॉन्च किया गया था 2019 में, ठीक है। तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है ऑडियो ओडिगोज, ठीक है, जो कि टोटल 12 स्टेट्स के लिए लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो था 2019 का, वो किस ऐप को दिया गया? तो वो दिया गया है IRCTC का, जो रेल कनेक्ट ऐप है, जहाँ
जहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं उसको दिया गया है। ओके, और रेल ट्रेन्स की लाइव इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स जो हैं वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो ये किए गए न्यूयॉर्क में, जहाँ और यूएन का हेडक्वार्टर में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे किए गए हैं। और यूनाइटेड नेशंस के जो डिप्लोमेट्स जो थे, ठीक है, उनके रिकॉग्निशन और सेलिब्रेशन के लिए अवार्ड रखे गए थे और उनको दिए गए हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया अभी रिसेंटली एक प्रोटोटाइप का ट्रायल वर्जन चल रहा है, ठीक है, एक ऐप है जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह है, वैसे ही एक ऐप इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, सेंट्रल और स्टेट के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनके लिए, ठीक है। तो उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है जिम्स ऐप, ठीक है। इसको फुल फॉर्म है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। ओके, और ये स्टेट और सेंटर के ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। और अगर आप लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इसकी वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया 2019 में, तो वो दिया गया दीपिका पादुकोण को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी, तो वो बनी है जुजुबिनी टुंजी, ठीक है, और 2018 में थी कैट्रियोना ग्रे। ओके, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था वर्तिका सिंह के द्वारा, ठीक है। और ये जो मिस यूनिवर्स का जो ये कॉन्टेस्ट है ये अटलांटा में हुआ था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, और ये वर्तिका सिंह जो है टॉप 10 में आने में फेल हो गई थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल वुमन की जो लिस्ट निकाली गई थी फोर्ब्स के द्वारा, ठीक है, उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन आई, तो उसमें फर्स्ट रैंक पे है एंजल मार्केल, ठीक है, एंजेला मार्केल सॉरी, जो कि एक जर्मन चांसलर हैं, उनको फर्स्ट रैंक दिया गया है फोर्ब्स की लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जेंडर गैप का जो रैंक आया है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिपोर्ट का जो, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग 112 रही है 2019 के लिए, ठीक है, और 2018 में 108 थी, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप हुई है 4 पोजीशंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड जो 2019 का जो था उसमें किस इंडियन आर्ट सैंड आर्टिस्ट को दिया गया है, तो वो दिया गया है सुदर्शन पटनायक को। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट अभी कौन बना है, ये रिसेंटली अभी बना है 10 दिसंबर के आसपास में, ठीक है, चार्ल्स मिशेल। ओके, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा में एक एम्फीबियन जिसको उभयचर बोलते हैं, ठीक है, उसको डिस्कवर किया गया है और उसका नाम किस पॉलिटिशियन के नाम के ऊपर रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ठीक है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यूएसए में ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो था वहाँ से विड्रू कर लिया था, ठीक है, उसी बेसिस पे उनकी जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं क्लाइमेट चेंज को लेके उस ओपिनियन पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है। और इस जो क्रीचर जो है ये एम्फियन, ठीक है, या फिर उभयचर जिसको बोलते हैं, इसके लेग्स नहीं होते हैं और इसकी पुअर आई साइट है, ठीक है। इन फीचर्स को देख कर डोनाल्ड ट्रंप का जो ओपिनियन था क्लाइमेट चेंज का उसके बारे में इसको ऐसे देखा गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता पुलिस ने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज या फिर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए, ठीक है, एक लॉन्च ऐप लॉन्च किया था, ठीक है, उस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का नाम है बोंदू ऐप, ठीक है, बोंदू। और इस ऐप में एक पैनिक बटन भी है, ठीक है, और ये ऐप बेसिकली पब्लिक यूटिलिटीज के लिए काम में आने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है, किस बैंक के द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेंगे, ठीक है, तो वो किया गया है आरबीआई के द्वारा, इंडियन सेंट्रल बैंक जो है उनके द्वारा किया गया है, और ये किया गया 23 दिसंबर को, ठीक है। इसमें जो आरबीआई है बाई सेल और बाई करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, जो कि एक ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी और बेचेगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है जो कि हैदराबाद में है, ठीक है, उसका डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो उसका किया गया है अतुल करवाल को, ठीक है, अभी रिसेंटली किया गया ये भी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या IAU भी जिसको बोलते हैं, उसने अभी किसी इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे स्टार्स का नाम रखा है, तो कि कौन से इंडियन साइंटिस्ट? तो वो है इंडियन फिजिसिस्ट जो विभा चौधरी हैं, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक एक्सो प्लानेट भी था, ठीक है, एक तो स्टार था, एक एक्सो प्लानेट था। एक्सो प्लानेट का नाम सेंटा मासा रखा गया है, ठीक है, सेंटा मासा जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्लाउड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सार्क फिल्म फेस्टिवल जो अभी हुए थे, ठीक है, उनमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है नगर कीर्तन को, ठीक है। ये एक बंगाली फिल्म है और इसके डायरेक्टर है कौशिक गंगोली, उनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है और इसको दिया गया था सार्क का 2019 का प्रेस्टिजियस अवार्ड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का जो टेक्नोलॉजी पाइनियर अवार्ड जो है, ठीक है, वो किस इन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो वो दिया गया है क्वांटेला इंक को, ठीक है, जो जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में एंड सिलिकॉन वैली में है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीटर हैंड के, ठीक है, जिनको कि अभी 2019 में नोबल लिटरेचर प्राइज मिला था, ठीक है, ये किस कंट्री के हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ये क्वेश्चन इस कंट्री से रिलेटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीटर हैंडके को किस फील्ड के लिए नोबल प्राइज़ मिला था? तो वो मिला था लिटरेचर के लिए। ओके, 2019 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार नेशनल अवार्ड जो 2019 है वो किसको मिलेगा? तो वो अनाउंस हो चुका है अभी, तो वो मिलेगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, ठीक है, जो कि इंडियन पोइट है, हिंदी पोइट है, ठीक है, कवि हैं, उनको दिया जाएगा 53rd फाउंडेशन डे पे, ठीक है, जो संबलपुर यूनिवर्सिटी है उड़ीसा की, उसके 53rd फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन पे इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बेसिकली जनवरी में होगा, तो जनवरी में ये दिया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस जो हुए थे उनमें जर्नलिज्म के लिए राजा राम मोहन राय अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया गुलाब कोठारी को, जो कि जो राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर राजस्थान पत्रिका जो है उसके चेयरमैन है। ओके, उनको दिया गया था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो ये न्यू दिल्ली में दिया गया था, ठीक है, एज केयर के द्वारा, एज केयर एक एनजीओ है, उसके द्वारा दिया गया था, और ये दिया गया है के पराशरन को, ठीक है, जो कि अब एक्स अटर्नी जनरल रहे हैं, ठीक है, एक्स अटर्नी जनरल हैं, उनको दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के कोर्ट ने, ठीक है, हाई ट्रीजन के लिए किस पॉलिटिशियन को डेथ सेंटेंस दिया है? तो वो दिया है परवेज मुशर्रफ को, ठीक है, ये 17 दिसंबर को डिसीजन दिया गया था पाकिस्तान के स्पेशल कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इन पे चार्जेस लगे हैं कि जो 2017 में, सॉरी 2007 में जो इन्होंने एक इमरजेंसी इम्पोज की थी, ठीक है, उसको लेके वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, इस बेसिस पे उन पे हाई ट्रीजन का केस लगा है और उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, परवेज मुशर्रफ। ओके, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, पाकिस्तान के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे अल्जीरिया में, ठीक है, 2019 में, उनको मतलब अभी प्रेसिडेंट कौन बना है अल्जीरिया का, सिंपली बोले तो, ठीक है, तो वो है अब्देल मस्जिद तोबेन, ठीक है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उसी कंट्री के, अल्जीरिया के। ओके, और इनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है इलेक्शन से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 13 दिसंबर को अभी 2 दिन की विजिट के लिए इंडिया आए थे, ठीक है, उनका नाम क्या है उस फॉरेन मिनिस्टर का इंडोनेशिया के? तो उनका नाम है रेटनो LP मर्सुडीज। ओके, और ये आई थी
ये 13 दिसंबर को आई थी, और ये अपने जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनसे इनका 2 डेज टॉक हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का यंगेस्ट पीएम है वो कौन बनी है, तो वो है सेना मारिन। ओके, ये फिनलैंड की बनी है, ठीक है, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है और 34 ईयर्स की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है वर्ल्ड की। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो करंजी लेक है, करंजी लेक फेस्टिवल जो है ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया इंडिया में, ठीक है, किस सिटी में स्टार्ट किया गया, ये किया है मैसूर में, ठीक है। ये वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके इम्पोर्टेंस को, मैसेज को दिखाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, इस फेस्टिवल को। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाने वाला है, तो वो किया जाने वाला है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो आंध्रा यूनिवर्सिटी है उसमें इसको सेटअप किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम है इस टाइप की जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है सेटअप किया जा रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो इंडिया में कब से अवेलेबल होगी, ठीक है, पैन इंडिया के लिए, पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया के लिए, तो वो होगी 1 जुलाई 2020 से। अभी इसका पायलट वर्जन चल रहा है, ठीक है, वो भी 4 स्टेट्स में, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ओनली 4 स्टेट्स में अभी इसका पायलट वर्जन चल रहा है, और ये 1 जुलाई 2020 से इसका पैन इंडिया में इसका स्टार्ट होगा। ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सूर्य किरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई थी, ठीक है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई थी, तो ये जो सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी 13 से 16 दिसंबर के बीच में, ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी सलझंडी में, रुपेनदेही डिस्ट्रिक्ट, जो कि नेपाल का जो डिस्ट्रिक्ट है रुपेनदेही, उस डिस्ट्रिक्ट के सलझंडी प्लेस पे हुई थी, ठीक है, 13 से 16 दिसंबर के बीच में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलीगल ट्रेड जो होती है मंगूज की, ठीक है, जिनको नेवला बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है, या फिर नेशनल ऑपरेशन बोल सकते हैं उनकी इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, तो उस प्रोग्राम का या फिर ऑपरेशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ओके, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे दे देते हैं ऑप्शन में, जैसे ऑपरेशन मंगूस, ठीक है, ऑपरेशन इलीगल ट्रेड, तो ये थोड़ा अलग नाम है इसका, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम है कि इस टाइप का कोई मतलब ऑपरेशन लॉन्च किया गया है मंगूज के हेयर्स का जो इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको लॉन्च इनिशिएट किया गया था ये WCCB के द्वारा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उसके द्वारा किया गया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 462वां जो कंडूरी फेस्टिवल 2019 का सेलिब्रेट किया गया, तो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है, तो वो किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के जो नागौर दरगाह जो है वहाँ पे एक फेमस मुस्लिम पिलग्रिम जो है नागौर में, वहाँ पे किया गया है। 14 डेज का ये फेस्टिवल था, जो कि 6 फरवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो 16 सेंचुरी के जो सेंट हैं हजरत सैयद साहुल हमीद कादिर वाली, ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ना कि ये ज़्यादा क्वेश्चन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट आर्कटिक ट्रेन सर्विस जो है किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई, तो वो की गई है रूस के द्वारा, ठीक है, रशिया के द्वारा किया गया है, और ये नॉर्वे तक जाएंगी, ठीक है, रशिया के आर्कटिक रीजन से नॉर्वे तक ये ट्रेन चलेंगी, ठीक है, और जो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन जो है वहाँ से 5 जून को 91 पैसेंजर्स के साथ में ट्रेन स्टार्ट की गई थी नॉर्वे के लिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नम्मा कोल्हापुरी चप्पल्स जो है उनको अभी रिसेंटली 2019 में GI टैग मिला था, ठीक है, तो वो किस स्टेट को बिलोंग करती हैं, तो वो बिलोंग करती है कर्नाटक को, ठीक है, और ये जो GI टैग्स हैं इनके लिए स्पेशली एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में,
ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन एयरफोर्स जो है उसके नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वो 26th चीफ है ये, ठीक है, 26वें एयरफोर्स के चीफ हैं जो अपॉइंट किए गए हैं, तो इन और ये किए गए थे 30 सितंबर 2019 को। ओके, और एयर मार्शल RKS भदौरिया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एशिया की जो फर्स्ट एनवायरनमेंट स्कूल, ठीक है, जिसका नाम होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट स्कूल, जो कि 2020 में सेपरेट ऑपरेट की जाएगी, ठीक है, सेटअप की जाएगी और 2021 से ही ये ऑपरेट स्टार्ट होगी, ठीक है, इसका ऑपरेशन, तो ये किस सिटी में सेटअप की जा रही है, तो ये की जा रही है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के कूर्ग प्लेस में सेटअप की जा रहा है इसको। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड के जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स हैं 2019 के हिसाब से, किन दो कंट्रीज के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट हैं, तो वो है जापान एंड सिंगापुर का, ठीक है, ये किसके हिसाब से, ये हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स जो है, ये हर साल जो ईयरली बेसिस पर रिलीज होता है हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स, 2019 के हिसाब से टॉप रैंक पे रहे हैं जापान एंड सिंगापुर, इस वजह से ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट हैं 2019 के हिसाब से इन दो कंट्रीज़ का। और अगर इसमें इंडिया की हम बात करें, ठीक है, तो इस साल इंडिया की रैंकिंग रही है 86th और लास्ट ईयर थी 79th, ठीक है, इसमें भी इंडिया की रैंकिंग गिरी। ओके, 7th पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल, ठीक है, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल कमीशन किया गया है किस स्टेट में, ठीक है, सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग किस राज्य में चालू की गई है, तो वो की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो साउथ सेंट्रल रेलवे जो है, दक्षिण मध्य रेलवे, उसके द्वारा इसको किया गया है, ठीक है, और ये टोटल 6.6 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 6.5 किलोमीटर लंबा है, और चेरोपल्ली से रोपुरु स्टेशन के बीच का है, ठीक है, ये पार्ट 6.6 किलोमीटर लंबा ये सुरंग जो बनाई गई है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने 2019 में तीन बैंकों को DSIBs बताया था, ठीक है, डोमेस्टिकली डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स, तीन बैंकों को बोला था, वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ठीक है, ICICI और HDFC, ये तीन बैंक हैं, इन तीनों को DSBs बोला गया था, ठीक है, RBI के द्वारा, मतलब बैंक्स विच आर टू बिग टू फॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसलैंड में एक ग्लेशियर है जो अपनी आइडेंटिटी अभी खो चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो उस ग्लेशियर का नाम है ऑक्सोकुल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है, कोल सप्लाई जो पावर प्लांट्स को, जो कोल सप्लाई जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो उस पोर्टल का नाम क्या है, उस पोर्टल का नाम है प्रकाश, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोल सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि कोल सप्लाई पावर प्लांट्स में जो कोल सप्लाई होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेक्यू जो है, ठीक है, जिसको कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो बोलते हैं, इसको रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, और इस इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किए हैं, तो इस में किया है केरला ने, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे रहे राजस्थान, ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे है कर्नाटक। ओके, और ये जो इंडेक्स जो 2019 में नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये बेसिकली इसमें जो 2016-17 का जो डाटा है उसको बेसिस बना के इसको प्रिपेयर किया गया है। ओके, और अगर आप लोगों को इंडियन स्टेट्स की, ठीक है, और जो इंडिया के जैसे नीति आयोग वगैरह जो हैं ये सब जो इंडेक्स निकालती हैं उनके बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने सारे इंडेक्स होते हैं और कौन सा स्टेट कितने पे रैंक किए हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, उसमें करीब 7 to 8 टोटल इंडेक्सेस हैं, उन सब के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जो सन की स्टडी के लिए ठीक है एक प्रोब भेजने वाली है एक एजेंसी, कौन सी एजेंसी 2020 में सन की स्टडी के लिए प्रोब भेजने वाली है, तो वो है इसरो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा तत्पर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया दिल्ली के द्वारा। ओके, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है तत्पर, जो कि बेसिकली EFIR ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड या हिम्मत प्लस, ये सारे जो फैसिलिटीज जो पहले से ही प्रोवाइड की जा रही है, इन सबको एक तरह से इसमें मर्ज कर दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल यूथ डे जो था 2019 का, जो कि हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो इस ईयर का जो था उसके लिए थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी 2019 में ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, और जो इंटरनेशनल यूथ डे है, जो ये एक यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया ही जाता है, और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये 12 अगस्त 2000 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक नमस्ते पेसिफिक करके एक कल्चरल इवेंट होस्ट किया गया था, सिटी में किया गया था, वो किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, तो वो बेसिकली हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली इंडिया और चीन के लिए है। ठीक है, इंडिया और चाइना दोनों कंट्री मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है किस राज्य में उसका उद्घाटन किया गया? तो उसका किया गया गुजरात में। ठीक है, जैसे कि आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं कि पूरा जो साल्ट सत्याग्रह था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। ओके, और ये बेसिकली जो महात्मा गांधी जी जो थे उनकी 71st डेथ एनिवर्सरी पे इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री की, ठीक है, किन दो कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने एक अबेर करेंसी लॉन्च किया है? ठीक है, अबेर करेंसी, और ये करेंसी बेसिकली उन दो दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए यूज की जाएगी, तो वो है UAE और सऊदी अरेबिया। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया दोनों ने मिलके एक कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम अबेर है। ठीक है, ये जो उन दोनों कंट्रीज के बीच में जो फाइनेंशियल सेटलमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको उनमें यूज़ की जाएगी बेसिकली। ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है। ठीक है, जैसे क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसी टाइप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने सुगर केन, ठीक है, सुगर केन जूस या गन्ने का रस जो होता है उसको नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया है? तो वो किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय या फिर नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जो है वो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया मालावी के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड का जो फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जो है उसका पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मलावी, ठीक है, जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, ये वैक्सीन बेसिकली जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो गाना और किन्या, ठीक है, ये दो कंट्रीज और हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इनके द्वारा भी इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया, लेकिन बाद में। ठीक है, सबसे पहले मलावी के द्वारा किया गया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, या फिर जिसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद बोलते हैं, ठीक है, उसने एक रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च किया है मेरा इंडिया। ठीक है, टू और वो किस डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है मलेरिया को ख़त्म करने के लिए 2030 तक। ठीक है, 2030 तक मलेरिया पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए इंडिया से, ठीक है, मेरा इंडिया लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा।
ठीक है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें मेरा इंडिया की, तो इसका है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 23rd एडिशन जो हुआ था एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का, ठीक, 24 अप्रैल को जो दोहा में हुआ था, ठीक है, दोहा जो कि कतर की कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पे जो ये एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो हुआ था, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते? इसमें इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज है, ठीक है। ओवरऑल पोजीशन इंडिया की 4th रही है इसमें, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने खुद की एक फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की है, तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उसका नाम है रावण 1, ठीक है, रावण 1। और ये सैटेलाइट 18 अप्रैल को लॉन्च की गई थी, ठीक है। जो ये नासा का जो मिड अटलांटिक रीजन स्पेस पोर्ट जो है, वहाँ से लॉन्च किया गया है इसको। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोमेट्रिक डाटा का जो इन्वेसिव यूज़ जो होता है, ठीक है, उसके टर्म्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो उसके टर्म्स में है इंडिया की रैंकिंग 5th है, ठीक है। तो मतलब इसके हिसाब से इंडिया 5th वर्स्ट कंट्री है, ठीक है, जो बायोमेट्रिक डाटा वगैरह जो होते हैं इनका इन्वेसिव यूज़ किया जाता है जिस कंट्री में। ओके, और 5th पोजिशन पे इंडिया है, 1st पे है चाइना, 2nd मलेशिया, 3rd पाकिस्तान, 4 US एंड 5th पे इंडिया, जिसमें कि बायोमेट्रिक डाटा का अवैध यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक जो है, ठीक है, किस कंट्री के द्वारा या फिर किस कंपनी, सॉरी, किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया टेस्ला के द्वारा, ठीक है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ट्रेंडिंग पे चल रहा था, ठीक है, इलॉन मस्क की इसका अनवील कर रहे थे, ठीक है, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक जो था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 2019 का, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो उसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 7th, ठीक है। मतलब कि 2018 2018 के डाटा के हिसाब से 350 इंडियंस वर किल्ड, 5540, ठीक है, 540 इंजर्ड एंड 748 टेररिस्ट इंसिडेंट्स ऑकर्ड इन इंडिया इन 2018, ठीक है। इस वजह से, ठीक है, इंडिया 7th पोजीशन पे है इस लिस्ट में, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है बेसिकली ये बताता है कि जो कंट्रीज हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री जिसकी भी रैंकिंग बता रहा है वो कितनी इफेक्टेड है टेररिज्म से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 11th ब्रिक्स समिट जो हुआ था, ठीक है, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनिशिएट इनोवेटिव फ्यूचर, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ठीक है, जो कि ब्राज़ील के ब्रासिलिया में हुआ था। ओके, ब्रासिलिया जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है, वहाँ पे 11th ब्रिक्स समिट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्मार्ट वॉच कंपनी जो है गूगल के द्वारा खरीदी गई थी, ठीक है, तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है फिटबिट वॉच, ठीक है, फिटबिट कंपनी जो कि एक स्मार्ट वॉच बनाती है, ठीक है, जैसे कि जो फिटनेस बैंड वगैरह में जो स्मार्ट वॉच जो होती है उन सबको उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और उस कंपनी को खरीदा गया है गूगल के द्वारा, ठीक है, और उसके 2.1 बिलियन डॉलर में उसको खरीदा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो IAEA है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AVTM जो है, AVTM का फुल फॉर्म क्या है? AVTM का नाम आपने सुना ही होगा, अभी रिसेंटली काफी न्यूज़ में था, ठीक है। तो AVTM है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ठीक है, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, जो कि
सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है, वन टच ABTM के नाम से, ठीक है, एक बार टच करने से मतलब एक बार में ही इजीली जो टिकट्स मिल सकते हैं ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन पे, और इसको 42, ठीक है, 42 सब अर्बन जो स्टेशंस हैं, ठीक है, उन पे इसको इंस्टॉल किया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2019 का था, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? तो उसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 102, ठीक है, आउट ऑफ 117 कंट्रीज, ठीक है। और लास्ट ईयर 2018 में इंडिया की रैंकिंग थी 95th, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग गिरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेघालय के गवर्नर का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, ठीक है, तो वो दिया गया है RN रवि को, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में अभी नागालैंड के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं कि वो मेघालय के गवर्नर का काम भी संभालें। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बुक है, ठीक है, 10 स्टडीज इन कश्मीर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, इस बुक को किसने लिखा है, ठीक है, तो इसको लिखा गया है KN पंडित के द्वारा। ओके, जो कि पद्मश्री अवार्डी है, ठीक है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है, तो वो किया जाता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और इस साल की जो 2019 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो 15 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल यूनिटी अवार्ड्स, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं किसके नाम में किए गए हैं, तो वो किए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर का बाइफ्रिकेशन किया था, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो उसके लिए बनाई गई थी संजय मित्र कमेटी, ठीक है, संजय मित्रा कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही जम्मू कश्मीर का बाइफिकेशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन एयरफोर्स है कब उसको स्थापना की गई, ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन तो स्टैटिक पोर्शन का है, बट इसमें इस वजह से डाला गया है कि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो हो सकता है किसी भी एग्जाम में इसके बारे में पूछ लें, ठीक है। सो इसको स्थापित किया गया था अक्टूबर 1932 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब जो है, ठीक है, उसका न्यूएस्ट मेंबर कौन सी कंट्री बना है, तो उसका न्यूएस्ट मेंबर बना है इंडिया, ठीक है। और अगर आप लोगों का इसका भी वीडियो चाहिए अलग से, ठीक है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब क्या है, कि क्या डिटेल है इसके बारे में पूरा, ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है, एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया समर्थ नाम से, ठीक है, तो वो किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा, ठीक है। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह जो हो गई, इन सब के बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो समर्थ जो है वो लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें बेसिकली जो इंडिया के आर्टिसंस, वीवर्स या हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर जो हैं उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लाना, ये इस स्कीम का या फिर इनिशिएटिव का मकसद है, ठीक है, समर्थ का। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है, 10-11 सितंबर के आसपास पे, तो ये किस सिटी में लॉन्च किया गया था? ये किया गया था मथुरा सिटी में, ठीक है, 11 सितंबर को लॉन्च किया गया था मथुरा सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली प्रोग्राम जो है, ये जो FMD जो होता है, ठीक है, FMD डिजीज़, और ये ब्रुसेलिस जो है, इन सब डिजीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है, FMD मतलब फूट एंड माउथ डिजीज़, जो एनिमल्स में जो नॉर्मली पाए जाते हैं, ठीक है, इन सबको इरेडिकेट करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट जो है, या भारतीय घरेलू बाजार जिसको बोलते हैं,
ठीक है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए ठीक है एक कंपनी सेटअप की गई है। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है काबिल। ठीक है, और काबिल की फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने अभी एक सुपर अर्थ को डिस्कवर किया है 2019 के अर्ली स्टार्टिंग में। ठीक है, फेब्रवरी या मार्च के आसपास में इसको डिस्कवर किया गया था नासा के द्वारा। ठीक है, इस सुपर अर्थ का ठीक नाम है GJ 357D। ठीक है, ये इसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और ये जो नासा का जो टेस मिशन जो है, ठीक है, टेस मतलब ट्रांजिशन एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट का जो मिशन जो था, ठीक है, वो एक्सो प्लानट जो होते हैं उन सब के बारे में स्टडी करने के लिए था। ठीक है, उस मिशन के अंडर ही इसको ठीक है सुपर अर्थ GJ 357D को डिस्कवर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड की थर्ड थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर है, ठीक है, कौन सी कंट्री है जो साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उन सबको पब्लिश करने में वर्ल्ड की जो कंट्री थर्ड रैंक पे कौन सी कंट्री है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो है इंडिया। ठीक है, और ये जो रैंकिंग जो है, ठीक है, वर्ल्ड की कंट्रीज की रैंकिंग उसके साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको पब्लिश के नंबर के हिसाब से वो की जाती है US का नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट रैंक पे है चाइना, सेकंड पे USA एंड थर्ड पे है इंडिया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जल साथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा के जो करंट चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ठीक है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है चल साथी स्कीम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट का फर्स्ट एवर SEZ, ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्पेशल इकोनॉमी जोन जो जिसको हम बोलते हैं SEZ, किस स्टेट का फर्स्ट टाइम में ठीक है SEZ अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो वो किया गया है त्रिपुरा का। ठीक है, त्रिपुरा के फर्स्ट टाइम है उसका कोई SEZ अप्रूव किया गया है। ठीक है, और वो किया गया है सबरूम में। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सबरूम में, ठीक है, उसको इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। ठीक है, और ये किया गया था अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर मंथ में इसको किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए हैं, ठीक है, फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस लाइक सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन? ठीक है, इन सब के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अभी टोटल 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए हैं। ठीक है, और ये कब हुआ है? ये जो उन्नाव का जो केस था 9 दिसंबर में जो हुआ था, 9 दिसंबर के आसपास, ठीक है, उस सब को लेके ये किया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान हाई कोर्ट के लिए एक नई बिल्डिंग को इनोग्रेट किया गया था। ठीक है, वो नई बिल्डिंग कहाँ पे है? वो है जोधपुर में। ठीक है, इसको इनोग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट जो है कोविंद जी, उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट मेगा फूड पार्क ठीक है सेंट्रल इंडिया का, वो किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया है? तो वो किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, MP में इसको किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधु ऐप स्कूल चिल्ड्रंस के लिए किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा का जो ये ऐप है जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो लेसन्स जो है स्टूडेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड लेसन्स जो होते हैं या ट्यूटोरियल वीडियोस जो होते हैं वो इस ऐप पे अब अवेलेबल होंगे। ठीक है, मधु ऐप। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महाराष्ट्र असेंबली जो है ठीक है उसके स्पीकर के लिए किसको इलेक्ट किया गया? तो वो किया गया है नाना पटोले। ओके, महाराष्ट्र इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे इस बार। ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, आप लोगों को सब पता ही हो, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ठीक है ECI जिसको बोलते हैं, या भारतीय चुनाव आयोग, उसने अभी रिसेंटली जननायक जनता पार्टी या JJP एक स्टेट पार्टी के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो वो किस स्टेट की है? तो वो है हरियाणा की। ठीक
और उसका जो सिंबल है वो है की, ठीक है, चाबी उसका सिंबल है, ठीक है, JJP का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का जो फोर्थ टाइगर रिजर्व है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, उसका नाम क्या है? तो वो है गुरु घासीदास, ठीक है। इसको टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का फोर्थ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है, जैसे पमेदन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरमादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सितान, ये सितान सितनाडी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लक्षित दिवस जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है असम में, ठीक है। हर साल 24 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। लक्षित दिवस भी बोलते हैं या लक्षित डे भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। ये जो लक्षित बोरफुकन, ठीक है, बोरफुकन एंड विक्ट्री ऑफ असम आर्मीज ऑफ सराइघाट की जो बैटल थी उसमें असामीज आर्मी की जो विक्ट्री है उसको, और ये लक्षित बोरफुकन के हीरोइज्म को सेलिब्रेट करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 नवंबर को हर साल, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट मुस्लिम योगा कैंप, ठीक है, किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो वो किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के कोठवाड़ प्लेस में। वर्ल्ड का फर्स्ट मुस्लिम योगा कैंप स्टार्ट किया गया है, ये बेसिकली एक खानवा आश्रम जो है कोटवाड़ में, वहाँ पे कोटवाड़ टाउन है एक उत्तराखंड में, वहाँ पे 20 नवंबर को ये स्टार्ट किया गया था, खानवा आश्रम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका कौन सा फेज अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है? तो उसका थर्ड फेज अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये की गई यूनियन मिनिस्टर जो है रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के एंड पंचायती राज के जो है वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, फर्स्ट बायोसिमिलर मेडिसिन रिलीज किया है, ठीक है, किस कैंसर को ट्रीट करने के लिए? ठीक है, तो वो किया गया है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट बायोसिमिलर मेडिसिन लॉन्च की है, ठीक है, और उसका नाम है ट्रास्टुजुमाब, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वंदना पार्क किस सिटी में और इनोग्रेट किया गया है? तो वो किया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है, 17 दिसंबर को, जो यूनियन में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है अमित शाह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इनोग्रेट किया गया था, सॉरी, ठीक है। और जो कि द्वारका में है, ठीक है, न्यू दिल्ली के द्वारका प्लेस में है भारत वंदना पार्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरेंज फेस्टिवल जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसी मंथ में 16 दिसंबर में को स्टार्ट हुआ था, किस सिटी में है, ठीक है, किस सिटी स्टेट में है? तो ये बिलोंग करता है मणिपुर को, ठीक है, स्टेट लेवल का ऑरेंज फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि वो एयरक्राफ्ट म्यूजियम सेटअप करेंगी, लेकिन किस सिटी में, ठीक है, तो वो सेटअप करेंगी कोलकाता में, ठीक है। ये बेसिकली जो टुपलोव TU-142 एयरक्राफ्ट है उसके बेसिस पे ये म्यूजियम सेटअप किया जाएगा। ये बेसिकली एक रशियन एयरक्राफ्ट था, ठीक है, टुपलोव TU-142। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक न्यू रॉकेट लॉन्च पैड सेटअप किया है, तो वो किस जगह पे सेटअप किया है? तो वो किया है कुलासेका पट्टनम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है, कुलासेकारा पट्टिनम तमिलनाडु में एक प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे न्यू रॉकेट लॉन्च पैड सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किया जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है उसके लिए रिसेंटली किस कंट्री को फर्स्ट टाइम इलेक्ट किया गया है? तो वो किया गया है सऊदी अरेबिया को, ठीक है, सऊदी अरब को इलेक्ट किया गया है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके लिए, ठीक है, और ये 28 नवंबर 2019 को हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 13th
साउथ एशियन गेम्स जो थे 13वें दक्षिणी एशियाई गेम्स जो थे वो किस सिटी में इनोग्रेट हुए थे? तो वो होते हैं नेपाल में, ठीक है। नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है, काठमांडू में, ठीक है, जो कि नेपाल की कैपिटल है, वहाँ पे इनको 1 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था, इनोग्रेट किया गया था इनको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज प्रोसेस जो है, ठीक है, हज प्रोसेस जो है उसको पूरी तरह डिजिटलाइज करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? तो वो है इंडिया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हज प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटलाइज किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने मैंडेटरी फेस स्कैन इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, मोबाइल यूजर्स के लिए? तो वो चाइना के द्वारा किया गया, ठीक है। चाइना गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी फेस स्कैन्स यूज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, मोबाइल यूजर्स जो भी हैं उन सब के लिए फेस स्कैन कराना मैंडेटरी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कितने हाईटेक पार्क सेटअप किए जाएंगे? तो टोटल किए जाएंगे 12, ठीक है, और इनमें करीब 193 मिलियन डॉलर का कॉस्ट लगेगा। ये सब 12 हाईटेक पार्क्स हैं जो कि बांग्लादेश में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो करांजी वार मेमोरियल जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है? तो वो है सिंगापुर में, ठीक है। अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, वो 2 दिन की विजिट के लिए सिंगापुर गए थे, तो वहाँ उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, ठीक है। ये बेसिकली जो करांजी वार मेमोरियल है, ये जो वर्ल्ड वार सेकेंड में जो लाइफ जो सेक्रीफाइस हुए थे, ठीक है, उन सबको लिए कम उन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है, इस मेमोरियल को बनाया गया, करांजी वार मेमोरियल जो कि सिंगापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबीक्विक ने, ठीक है, मोबीक्विक जैसे पेटीएम जो है पेमेंट बैंक है, ठीक है, इसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, इंस्टेंट लोन देने के लिए, 90 सेकेंड्स में इंस्टेंट लोन देने के लिए मोबीक्विक के द्वारा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बूस्ट, ठीक है, बूस्ट नाम से इसने लॉन्च किया है, और ये बेसिकली 60,000 रुपये तक के लोन्स को सैंक्शन करेंगे 90 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, मोबीक्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सुपर कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो जो अभी स्विच किया गया है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मतलब स्विच ऑन किया गया है, ठीक है, तो उसका नाम है स्पाइनिकर, ठीक है, स्पिनेकर। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, स्पिनेकर, इसका मतलब स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर मशीन, ठीक है, जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, और इसको अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर दिया गया 2019 में, अभी इसको मतलब ये स्टार्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो है उसका प्रेसिडेंट किस वुमन को बनाया गया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ है कि कोई वुमन इसका प्रेसिडेंट है INSA का, ठीक है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी का, तो वो है चंद्रिमा साहा, ठीक है, जो कि रिनाउंड बायोलॉजिस्ट है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल अवार्ड्स जो दिए गए हैं, ठीक है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट वो किसको दिया गया है, ठीक है, तो वो दिया गया है उत्तराखंड को, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम है कि इस टाइप का अवार्ड क्रिएट किया गया है, ठीक है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, और फर्स्ट टाइम में ही ये उत्तराखंड को दिया गया है, ठीक है, और इस टाइम जो वो नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो हुए थे 66 में, ठीक है, 66th नेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत गौरव अवार्ड जो 2019 का था, ठीक है, वो किस फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर को दिया गया? तो वो दिया गया हमारे कपिल देव को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उदय एक्सप्रेस जो है, ठीक है, उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनड यात्री, ठीक है, उदय एक्सप्रेस जो है वो किन किन सिटियों के बीच में चलेगी?
ठीक है, तो ये है बेसिकली विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के लिए, ठीक है, डबल डेकर है, और इसको 19 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा, ठीक है, ईस्ट कोस्ट का जो रेलवे जोन है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन का जो है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है गुड़गांव में, ठीक है, जो गुड़गांव जो कि हरियाणा में है, ठीक है। इसका अभी नाम चेंज हो चुका है सर, गुरुग्राम हो चुका है, ठीक, तो गुरुग्राम में है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 अगस्त को किसका बर्थडे बर्थडे बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सद्भावना दिवस या फिर हार्मनी डे के नाम पे मनाया जाता है, तो वो है राजीव गांधी, ठीक है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रहे हैं, ठीक है, राजीव गांधी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे सद्भावना दिवस मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को ही, ठीक है, ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। और जो ब्रिटिश डॉक्टर थे जो सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, उन्होंने 1897 1897 में एक डिस्कवरी की थी जो फीमेल एनोफिल्स जो होते हैं, फीमेल एनोफिल्स मस्कीटोज जो होते हैं वो मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है, ह्यूमन में, और इस डिस्कवरी के लिए ये इनको डेडिकेटेड भी किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8th इंटर रीजनल मिनिस्ट्रल मीटिंग, ठीक है, REC की कहाँ पे हुई, ठीक है, REC, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप, ठीक है, इसकी 8वीं इंटर रीजनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हुई, तो ये हुई है बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग जो कि चाइना में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होंगे, ठीक है, अभी इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, अभी इसमें टोटल 25 मेंबर्स होंगे, ठीक है, हर मेंबर्स का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा वो 4 ईयर्स होगा, 5 साल, 4 साल से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उनको रीअपॉइंटमेंट उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी इन 25 मेंबर्स के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेनिन, गाम्बिया या ग्विनी, ये 3 अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, इन सब में विजिट करने वाला फर्स्ट इंडियन हेड कौन था, ठीक है, तो वो है रामनाथ कोविंद, ठीक है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये 28 जुलाई से 3 अगस्त के तक, ठीक है, ये इन तीनों अफ्रीकन कंट्रीज बेनिन, गोम्बिया, ग्विनी, इन तीनों में विजिट किया था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन हेड इन 3 कंट्रीज में विजिट किया है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को दिया गया है, वो किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है गिनी के द्वारा, ठीक है, जो कि गिनी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्फा कोंडे, उनके द्वारा नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट जो कि वो उस कंट्री का, ठीक है, गिनी का हाईएस्ट अवार्ड है, वो प्रेसिडेंट को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीवन अमर एक स्कीम जो इंश्योरेंस प्लान है वो लॉन्च किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको लॉन्च किया गया, तो वो किया गया है LIC के द्वारा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जीवन अमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पेशल पर्पज ट्रस्ट फंड, ठीक है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, विश्व प्रयोजन ट्रस्ट फंड जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, तो ये है यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है स्पेशल पर्पज ट्रस्ट फंड में, जो कि यूनाइटेड नेशंस को बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसको दिया है, तो वो दिया है डॉक्टर K. शिवन को, ठीक है,
इनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है, कौन है इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 साल के बाद, आफ्टर 360 ईयर्स, इंडियन नेवी का एक शिप है, उसको डिकमीशन किया गया है, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो वो है INS रंजीत, ठीक है। INS रंजीत को 36 ईयर्स के बाद डिकमीशन किया गया इंडियन नेवी से, ठीक है। ये एक राजपूत क्लास का फ्रंट लाइन मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, INS रंजीत को, और जिसको कि विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे इसको डिकमीशन किया गया आफ्टर 360 ईयर्स, सॉरी 36 ईयर्स, नॉट 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो कि अभी रिसेंटली रिटायर्ड हो गए थे, ठीक है, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी का जज अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है? वो है मदन भीमराव लोकुर, ठीक है। इनको 3 जनवरी को अपॉइंट किया गया था, मदन भीमराव लोकुर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी का जज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डुजुके वैली जो है, उसको प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, ठीक है, जो कि 6 जून को हर साल मनाया जाता है। उस पे डुजुके वैली को प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये किस स्टेट को बिलोंग करती है डुजुके वैली? तो ये करती है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में है डुजुके वैली, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 6 जून को मनाया जाता है, उसको इसको उस दिन इसको प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो DRDO का ने अभी रिसेंटली एक HSTDV, ठीक है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट किया है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 6 मैक, ठीक है, मतलब साउंड की स्पीड जो होती है उससे 6 गुना ज़्यादा, ठीक है। ये एक अनमैन स्क्रैमजेट है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो HSTDV जो है, ठीक है, यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है, ये एक अनमैंड स्क्रैमजेट है, मतलब इसमें कि हाई ये सुपरसोनिक कंबसन होता है, इसी वजह से इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तक पहुंच पाती है, ठीक है। मतलब अगर इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ये 32 किलोमीटर चला जाता है 20 सेकेंड्स में, 32 किलोमीटर्स की हाइट पर, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2019 का जो था, उसका थीम क्या था, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है, वो हर साल 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और इस साल के लिए उसका थीम था सेफ ब्लड फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए सुरक्षित रक्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इसरो के जो चीफ हैं, ठीक है, के सिवन, ठीक है, उनके द्वारा अभी अनाउंस किया गया था कि इंडिया खुद का इस स्पेस स्टेशन बनाएगी, ठीक है, वो कब तक लॉन्च करने की बात करते हैं? तो वो बात करते हैं 2030, 2030 तक इंडिया खुद का अपना स्पेस स्टेशन हो पाएगा इंडिया के पास, ठीक है। और स्पेस स्टेशंस जो है वो किस ऑर्बिट में होते हैं? वो होते हैं LEO में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केमिस्ट्री के लिए 2019 में नोबेल प्राइज किनको दिया गया? तो वो दिया गया है जो जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली एंड अकीरा योशिनो को, ठीक है, इन तीनों को, बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज के लिए, ठीक है, ये नोबेल प्राइज दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 का जो है, उसमें किस कंट्री ने टॉप किया है, ठीक है, मतलब फर्स्ट रैंक पे उसमें रही है सिंगापुर, ठीक है, और लास्ट ईयर 2018 में फर्स्ट रैंक पे यूनाइटेड स्टेट थी, ठीक है, लेकिन उसको अभी इसने रिप्लेस कर दिया है सिंगापुर ने, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 2019 में 68th पोजिशन है, ठीक है, और वहीं किस 2018 में इसकी 58th पोजीशन थी, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेडिसन है, मेडिसन्स के लिए ठीक है, नोबल प्राइज 2019 का नोबल प्राइज किनको दिया गया है? तो वो दिया गया है विलियम जी कालिन को, ठीक है, पीटर एंड ग्रेग एल सेमेंजा को, ठीक है, इनको बेसिकली दिया गया है जो सेल्स जो होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, वो कैसे सेंस करती हैं और वो कैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को अडेप्ट करती हैं, इस डिस्कवरी के लिए इन तीनों को ये नोबेल प्राइज दिया गया 2019 का इन मेडिसिन फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टार ऑफ जेरूसलेम, ठीक, ये एक मेडल है पैलेस्टाइन का, ठीक है, ये एक इंडियन ओरिजिन को दिया गया है, ठीक है, एक इंडियन ओरिजिन पर्सन को दिया गया है, उनका नाम क्या है? वो है मुनीर अंसारी को ये रिसेंटली अवार्ड दिया गया है स्टार ऑफ जेरूसलेम पैलेस्टाइन के द्वारा। पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, ठीक है, उन्होंने इनको, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन के शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी जो हैं इनको ये अवार्ड दिया है स्टार ऑफ जेरूसलेम, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो यूएन की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019, उसके हिसाब से इंडिया चाइना को किस ईयर तक ओवरटेक कर लेगा? तो उसको कर लेगा 2027 तक, ठीक है, 2027 तक इंडिया विल बी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट जो है उसको रेटिफाई करने के लिए फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है? ठीक है, यूएस मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट जिसको कि पहले नाफ्टा के नाम से जानते थे, ठीक, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये इसको रिप्लेस किया गया है यूएस मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट से, ठीक है, और इसको फर्स्ट टाइम साइन किया गया है मेक्सिको के द्वारा, सबसे पहले मेक्सिको ने इसको साइन किया है, ठीक है, रेटिफाई किया गया इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का, ठीक है, फर्स्ट कैमिल हॉस्पिटल जो है वो किस सिटी में लोकेटेड? तो वो है दुबई में, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उम्मीद इनिशिएटिव जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, वो किस चीज़ को टैकल करने के लिए लॉन्च किया गया है? उम्मीद इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो बेसिकली किया गया है जेनेटिक डिजीजेस ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज की को टैकल करने के लिए, ठीक है, नवजात शिशुओं के जो अनुवांशिक रोग जो होते हैं उन सब की प्रॉब्लम्स को या फिर उन सब डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए उम्मीद इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड का कॉटन डे है, ठीक है, जेनीवा में जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है? वो किया गया है WTO के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया है 7 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है अभी ये जिनीवा में, ठीक है, जिनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक, 2019 का वो किनको दिया गया है? तो वो दिया गया है शेख हसीना को, ठीक है, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक, और ये 16 सितंबर 2019 को दिया गया था, ठीक है, डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2019, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की जो फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी है वो किस सिटी में स्टेब्लिश की जाने वाली है? तो वो की जाने वाली है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNSC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है? तो उसको अभी किया है UNSC के द्वारा किया गया है जैश ए मोहम्मद को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसके द्वारा ये जैश ए मोहम्मद जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मार्ले बोन, ठीक है, मैरी ले बोन जो क्रिकेट क्लब जो है यूनाइटेड किंगडम का,
ठीक है, उसके लिए प्रेसिडेंट, फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो है कुमार संगकारा, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ श्रीलंका, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है, यूके ने मिलके एक जॉइंट इनिशिएटिव चलाया है, क्लीन एयर इनिशिएटिव, ठीक है, ये किस सिटी में चलाया गया है? तो ये चलाया गया है बेंगलुरु में, ठीक है। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है क्लीन एयर इनिशिएटिव, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पीएसयू कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो प्लास्टिक को बिटुमिन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो किया गया है इंडियन ऑयल्स के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडिया के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया है सुरजीत भल्ला को, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो प्राइस है वो फर्स्ट टाइम किसी गर्ल को दिया गया है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? तो वो है कविता गोपाल, जो कि आईआईटी मद्रास की स्टूडेंट है, उनको फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज दिया गया है। इससे पहले ये बॉयज़ के लिए दिया जा रहा था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कविता गोपाल को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हावड़ी इवेंट जो था, ठीक है, वो किस सिटी में होस्ट किया गया था जिसमें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी थे? तो वो था ह्यूस्टन में, ठीक है, ह्यूस्टन में ये शो हुआ था हाउडी मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली ने एक इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया गया है फॉर पुलिस, फायर एंड एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, तो वो है 112, ठीक है, 112, पुलिस फायर एंड एम्बुलेंस इमरजेंसीज के लिए एक इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न लीगल एजुकेशन जो इंडिया का है, ठीक है, उसके फादर के नाम से किनको जाना जाता है? ठीक है, वो रिसेंटली पास्ड अवे, तो वो है एन आर माधव मेनन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने अभी रिसेंटली, ठीक है, ये नवंबर के लास्ट की बात है, ठीक है, विकिपीडिया के सारे एडिशंस को ब्लॉक कर दिया है? तो वो किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिजिटल पेमेंट्स जो है, ठीक है, उनके लिए एक हाई लेवल कमेटी आरबीआई के द्वारा सेटअप की गई थी, ठीक है, और उस कमेटी ने अभी रिसेंटली अपना रिपोर्ट दिया था, ठीक है, उस कमेटी का नाम बताइए, ठीक है, वो कमेटी मतलब किसके द्वारा हेड की गई, और उस हेड के नाम से ही नॉर्मली कमेटी का नाम होता है, ठीक है, तो वो है नंदन नीलकणी, ठीक है, नंदन नीलकणी कमेटी के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना लॉन्च की गई? तो वो की गई है झारखंड के द्वारा। इस स्कीम में होगा क्या? बेसिकली झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई, तो इसमें बेसिकली जो झारखंड के जो फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र, पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, मतलब जिनके पास, ठीक है, अगर कोई फार्मर है और वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, जिनके पास 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक की ज़मीन से कम ज़मीन है, ठीक है, उस रेंज में उनके लिए 5,000 से 25,000 रुपये तक की जो रेंज है, इस हिसाब से पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से किस कंट्री में सबसे ज़्यादा, जो कि 840, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिविंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस पाई गई? तो वो है पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है, और इंडिया इसमें चौथे नंबर पे, फोर्थ पोजीशन इंडिया की रही है इसमें, ठीक है। टोटल इंडिया में 453 लैंग्वेजेस, उस बेसिस पे इंडिया की रैंकिंग फोर्थ आई है, ठीक है, फर्स्ट पे है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऑनलाइन पोर्टल
पोर्टल अनाउंस किया है, ठीक है, काउज के अडॉप्शन के लिए, ठीक है, गायों को गोद लेने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है, एमपी के द्वारा ये किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज स्टार्ट की है IMCOR, वो किस कंट्री के साथ में स्टार्ट की गई? तो वो की गई है म्यांमार के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो किड्स राइट इंडेक्स जो है, ठीक है, 2019 का, जो कि 181 कंट्रीज के लिए रिलीज किया गया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 117, 117, ठीक है। और सबसे टॉप पोजीशन पे इसमें रहा है, फर्स्ट रैंक पे है आइसलैंड, ठीक है, और उसके बाद है पोर्तुगल, ठीक है, और इंडिया है 117वीं रैंक पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली दो कंट्रीज को, ठीक है, मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है, तो उन दो कंट्रीज के नाम क्या है? वो है अल्जीरिया और अर्जेंटीना, ठीक है। इन दो कंट्रीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है, मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूनिसेफ जो है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, उसके द्वारा डेनी कैन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यासीन, बलबन और गहीम, ठीक है, ये तीन स्मार्ट गाइडेड मिसाइल्स जो है, ठीक है, एडवांस मिसाइल है, ये किस कंट्री के द्वारा, किस कंट्री को बिलोंग करती है, ठीक है? तो ये बिलोंग करती है ईरान को, ठीक है। यासीन, बलबन एंड घाइम, जो कि एडवांस प्रिसाइजन गाइडेड स्मार्ट मिसाइल्स के नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के द्वारा एक पैनल क्रिएट की गई है ऑफशोर रुपी मार्केट की इश्यूज को एग्जामिन करने के लिए, तो उसको किसने हेड किया या फिर उस कमेटी या पैनल का नाम क्या है, ठीक है। बेसिकली जैसे मैं पहले ही बता रहा था, ठीक है, जो हेड करता है उसी के नाम पे बेसिकली वो पैनल का नाम होता है, ठीक है। तो वो थी उषा थोराट पैनल, ठीक है, और उसकी हेड उषा थोराट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52nd एशियन समिट किस सिटी में हुआ, ठीक है। 52वें आसियान का जो शिखर सम्मेलन जो था वो किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? तो वो किया गया बैंकॉक में, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेव ग्रीन स्टे क्लीन, ठीक है, ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो अभियान किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2019 से, ठीक है, किसने CGA का चार्ज लिया, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो जिनको हम CGA बोलते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी में महानिदेशक जिनको बोला जाता है, उनका चार्ज किसने लिया, ठीक है, मतलब कौन अपॉइंट हुए हैं? वो है गिरिराज प्रसाद गुप्ता, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है के CGA के रूप में, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ऑसम डे।